जबलपुर का मीना बाजार, सारा यहाँ पे सिर्फ लेडीज, सिर्फ लेडीज। स्वागत है आपका आज के तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार व्लॉग में। अभी भी सावन चल रहा है और हरियाली मैंने खत्म कर लिया हूँ। आई नो कि बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, दो तीन वीडियोस मैंने शूट करके रखा हूँ, लेकिन क्या है मुझको टाइम नहीं मिल रहा है, वो बात आपको आगे पता चलेगी। तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके मुझको बताइए। अभी मुझको थोड़ा मार्केट जाना है घूमने, कुछ काम से जाना है, घूमने नहीं, तो वहाँ चलते हैं और आपसे वहीं पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आज देखिए 10 दिन बाद जबलपुर में थोड़ा मौसम खुला है, एक बार आपको मौसम के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद फिर बाहर चलेंगे घूमने। बढ़िया मौसम हुआ है, देखिए बादल भी आज एकदम साफ हैं, हल्की फुल्की धूप आई है, धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है और कभी कभी जा रही है। ये मौसम ना बहुत दिन बाद बना है यार, मतलब जब से सावन लगा है तब से रिमझिम 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 जबलपुर में तो यही हो रहा है, बारिश हो रही है लगातार। आज हुई है बहुत दिन बाद बारिश बंद, तो कुछ काम मैंने निकाला हूँ और वो काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो भी बना लेता हूँ, क्योंकि 10-12 दिन हुए वीडियोस मैंने नहीं बनाया हूँ और उससे भी ज़्यादा दिन हुए ये कैमरा मैंने उठाया हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ सीधे गाड़ी पे। गाड़ी पे मिलिए। यस, तो अभी हम लोग हैं घंटा घर पे और आज बहुत सारे काम हैं जिसको निपटाना है। आज तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं निकला हूँ घर के बाहर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जबलपुर में। अगर आप जबलपुर से देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, और आज धूप भी इतने दिन ही बाद निकली है, मतलब सूरज देवता के दर्शन तकरीबन एक हफ्ते बाद हो रहे हैं। और काम भी मेरे को इतना बढ़ गया है अभी कि जो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं ये पहले आ जाएगा, लेकिन इसके पहले भी अभी पेंडिंग में हैं एक दो वीडियोज़, तो पहले इसको दूँगा, उसके बाद उसको एडिट किया जाएगा जो पहले की पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा काम बढ़ गया है मुझको। तो कैसे हैं आप लोग मुझको कमेंट में बताएं। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं यार, लाइक करके जाना चाहिए, आप लोगों को कमेंट करके जाना चाहिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना, तभी तो मैं घूम पाऊँगा ना अच्छे से, थोड़ा मेरा भी दिल करेगा वीडियोज़ बनाने का, अपने आप को मैं पुश करूँगा और भी अच्छे से। अभी देखिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं, पहले चलना है सूरत साड़ी वाले के यहाँ, उसके बाद जाना है गलगला मार्केट, उसके बाद कुछ प्लास्टिक्स के आइटम भी लेना है, कुछ एक बाल्टी लेना है, और भी देखेंगे धीरे धीरे आप इस वीडियो में। मौसम सही में यार अच्छा हुआ है, कितने दिन से मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कहीं घूमने जाऊँ जबलपुर के जो वाटरफॉल हैं, लेकिन बिल्कुल रिमझिम 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 दिन भर पानी गिरता रहता है, और वही बात है कि मन नहीं कर रहा है अभी जाने का, लेकिन जाना है यार। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा अभी जब वीडियो बनाऊंगा ना तभी आपको बताऊंगा डायरेक्ट। लेफ्ट में अपनी गंजीपुरा है, ये अपनी अच्छी वीडियो चल रही है गंजीपुरा वाली, किसी दिन और आके एक बार बनाऊंगा, देखता हूं अगर मन किया तो। अगरबत्ती लेना है, सावन सोमवार, अभी सावन का महीना चल रहा है, धूप अगरबत्ती ख़त्म हो गई है खुशबू वाली, तो खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएँगे तब तो मज़ा आएगा ना शंकर जी को, शंकर जी बोलेंगे सावन खत्म हो गया अब तुम अगरबत्ती ला रहे हो। आज सारी दुकानें बंद है, मंगलवार है, कहीं जिस काम से हम लोग भी आए हैं वो भी दुकान ना बंद हो। हम लोग सोचे कि लॉकडाउन के बाद सारी दुकानें ओपन रहेंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ आग खुली है, बहुत सारी दुकानें बंद है। अच्छा हम लोग इसी दुकान से लेते हैं, खुली है। चलिए भैया धूप अगरबत्ती चाहिए अपने को। अच्छा भैया जैसे मान लीजिए इसका पैकेट लेना चाहें बड़ा जिसमें हमको मुनाफा हो तो वो कितने का आएगा? 100 का आएगा, 6 पैकेट। और लेना चाहें तो उससे ज़्यादा, उससे बड़ा पैकेट बड़ा पैकेट नहीं आता, 6 पीस का पैकेट आता। अच्छा दिखाइए ज़रा, दे दीजिएगा भैया एक दूसरा वाला, इसमें एक दूसरी खुशबू वाला दे दीजिएगा, 2 पैकेट रुई दे दीजिएगा भैया, थैंक यू भैया। अरे बारिश होने लगी थोड़ी बहुत, एक काम तो हो गया, और बाल्टी वाले काम पे ग्रहण लग रहा है क्या? दोना लेना था, दोना। अच्छा हाँ दोना तो इधर आगे है उसकी दुकान दोने की, तो हाँ तो मैं बोल रहा था कि बाल्टी के काम पे ग्रहण लग सकता है, क्योंकि कहीं और से भी लेने का उसको प्लान हो रहा है। चाय वाला और वो वाला दोना रखते हैं भैया। और जिनको जानकारी नहीं है बता दूं कि हम लोग 3 लोग हैं गाड़ी पे, मैं पीछे प्रियंका बैठी है और सबसे लास्ट में बैठी है मम्मी, तो मैं बहुत आगे होके बैठा हूँ गाड़ी पे। पता नहीं आपको कितना एंगल आ रहा है, सामने मीटर भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं है। बहुत सारी दुकानें यार बंद हैं मंगलवार, हम लोग को लग रहा था कि बंद नहीं रहेगा लेकिन बंद है, क्योंकि
मेरा ये मानना था कि अभी लॉकडाउन से शहर उभरा है तो क्या ये लोग बंद रखेंगे, क्योंकि आदमी सोच रहा है कि कमाएं, जैसे तैसे पैसे कमाएं, लेकिन फिर भी ये लोग बंद रखे हुए हैं। मैं जिस दुकान की बात कर रहा था, देखो प्लास्टिक वाली यहीं कहीं है दुकान, पूछ सकती हो, पूछना है बाल्टी। भैया कितना है इसका प्राइस? 60 रुपए की थी वो बाल्टी, कहीं और से भी पूछ के देखा जाएगा। अब अपनी मंजिल है डायरेक्ट सूरत साड़ी वाला। ले अरे खुली है, मेरे को लगा बंद है। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिलती है सूरत साड़ी केंद्र। अगर आप जबलपुर से होंगे तो आपको पता होगा। हो गया जी काम यहाँ का भी, अब दूसरी जगह चलना पड़ेगा। 5 मिनट में हो गया काम, आज खाली है उसलिए, नहीं तो बहुत भीड़ होती है, पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे दिखती हैं। अभी भी देख रहे हैं आप, 4-व्हीलर खड़ी है, और बाकी नॉर्मल डेज में तो बाइक ही बाइक खड़ी हो जाती हैं इधर पे। रतन दीप वाले के यहाँ देखना है। अब किधर है रतन दीप की दुकान? सही है रतन स्टोर्स, ये तो ये भी बंद है भाई। चलो उतरो। भगवान की सामग्री यहाँ से सारी मिलती है, बजरंगबली जी का छोला, माता की चुन्नी, सारी बुक्स हैं यहाँ पे। श्रावण सोमवार व्रत कथा सामने सारे भगवान जी रखे हुए हैं, ये झंडे रखे हुए हैं भगवान जी के। लो चलो एक और जगह तुम के लिए चलती हूँ, यहीं से सीधे रास्ते में आ जाएगा। अच्छा हुआ यहाँ से आए आप। और भी कुछ काम है क्या? क्या काम? लेडीज बाजार है, मीना बाजार। जाओ लेके आओ, मैं भी चलूं। अच्छा गाड़ी कहाँ लगाऊं? जबलपुर का मीना बाजार। मम्मी को लेना यहाँ से राखी, और भी कुछ कुछ सामान लेना है। एक दुकान यहाँ पे अभी बन रही है, सारा यहाँ पे सिर्फ लेडीज, सिर्फ लेडीज। चार 4:35 हो गया यहीं पे, आधा घंटा हो गया इस बाजार में घूमते हुए। छुटर पुटर छुटर पुटर कुछ का कुछ ले रहे हैं ये लोग। घड़ी, चूड़ी, बिंदी, लेडीज आइटम में चप्पल भी है, प्लास्टिक के आइटम भी हैं, और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, सौंफ, राखी ये भी है। जितनी भी राखी है सब अभी तो पुराना ही स्टॉक होगा ही, वो लोग के पास नई राखी अभी आई कहाँ होगी। भैया थोड़ा निकालिए ना, गाड़ी निकालना अपने। देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, पूरी गाड़ी गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब कुछ काम नहीं है, अब सीधे अपने को चलना है घर। वो लोग कुछ और भी देखने लगे लग रहा है। देखिए यही लिया गया है इधर दिल्ली बाजार से, एक बाल्टी, ब्रश रखने वाला और साबुन रखने वाला, सारे काम अब संपन्न हो चुके हैं। हाँ तो उसमें उस बकेट लिस्ट में सिर्फ एक चीज़ अपने को लेना है, और प्लांट्स तो वो तो इस रास्ते पे मिलेगा नहीं, तो उसके लिए कब चलना है? आज ही चलना है किसी और दिन? इतनी दुकानें बंद हैं फिर भी भीड़ आपको इतनी मिल रही है। अब सोचिए सारी दुकानें खुली रहेंगी जय माता दी, तो कितनी भीड़ मिलेगी? जब बहनें निकलेंगी ना रक्षाबंधन में तो वो जगह फिर देखना, मिल जाए तो बताना। मतलब नहीं समझा मैं, बहनें निकलेंगी ना रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। अच्छा हाँ रक्षाबंधन अभी तो दूर है ना, कितने तारीख को है? हाँ तुम भी तो नहीं निकलोगी कहीं शॉपिंग में? नहीं
अच्छा, हम लोग का प्लान बन रहा है कि घर जाएंगे, घर से जाके फिर नर्सरी जाएंगे, या तो किसी और दिन भी तो चल सकते हैं यार, लेकिन फिर वही है कि फिर मौसम किस दिन बनेगा कि नहीं बनेगा। बात नहीं है, फिर एक ही दिन बर्बाद किए हैं तो आज। हाँ ये भी बात है, आज कितने दिन बाद तो मौसम खुला है। रख लेते हैं यार, दो रखूँ फिर कचरा लगेगा नहीं उसमें? पन्नी में कचरा लग के क्या मतलब, क्या? ठीक है तो दीजिए। अभी हम लोग हैं गाड़ी पे, तीन लोग, मैं, प्रियंका और मम्मी। तो अभी मम्मी को बैठा देंगे पापा के साथ, गाड़ी एक्सचेंज करेंगे, पापा को लेके मम्मी घर चली जाएंगी और मैं प्रियंका को लेके चले जाऊंगा नर्सरी। ओ ये, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मम्मी को पकड़ाते हैं पापा को और प्रियंका को पकड़ के हम निकलते हैं, और वहाँ हम निकलते हैं तब तक आप घर पे मिलिए मेरे, थोड़ा सा आपसे मुखड़ा दिखा के बात करने का मन हो रहा है। मुखड़ा दिखा के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझको कमेंट करके बताइए यार। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा दिल बहुत छोटा होता है। प्लीज़ थोड़ा सा मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। मेरा एम है इस वीडियो पे 40 लाइक का, आप 40 लाइक प्लीज़ दे दीजिए, मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे चैनल पे अभी 500 भाई लोग जुड़ चुके हैं, 550 शायद होंगे, मुझको अभी याद भी नहीं है कितने हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप अगर ऐसे ही सपोर्ट मेरे पे बनाए रखेंगे तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा और भी ज़्यादा एफर्ट डालूँगा। मुझको वीडियोस बनाने का शौक़ है, तो जितना अच्छा आउटपुट मिलेगा उतनी अच्छी मैं मेहनत करूँगा और उतनी अच्छी वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए। अभी बहुत जगह जाना है यार, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझको मज़ा आए और मैं आप लोग को मज़ा आगे फॉरवर्ड कर सकूं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मिलो। अच्छा देखिए, जिन जिन को भी अगर बुरा लगा हो कि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, 10 से 12 दिन हो गए कहाँ थे, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मेरे दिल की भी भावनाएं समझिए। अभी एक छोटा चैनल है, फिर भी मैं बहुत बहुत मतलब मेहनत कर करके वीडियोज़ बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। समय नहीं बचता है क्योंकि मैं और भी कई चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। अगर यहीं पे मुझको अच्छा रिस्पांस मिलता तो मैं सबसे ज़्यादा एफर्ट यहीं डालता, लेकिन यहाँ पे रिस्पांस है, आप लोग सच में मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना आउटपुट मिल रहा है उस हिसाब से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कोई कमी लगती है तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। जैसा जैसा मुझको आउटपुट मिलता जाएगा, तो बोला ना मैं कि आप मुझको प्यार दिखाएंगे तो मैं वो प्यार आपको फॉरवर्ड करूंगा यार, समझ रहे हो? मिलो मिलो। दोनों एक साथ बोलते हो, तो ध्यान से सुना करो, ध्यान लगा के सुना करो।